वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, इस बार टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हैलोलकेन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल्स को यूज करके आप कैसे हैलोलकेन्स का प्रिपरेशन कर सकते हो, ये आज का टॉपिक रहेगा। इसमें देर आर थ्री फोर वेरी मेन रिएजेंट्स विच वी यूज टू मेक दीज कंपाउंड्स हैलोलकेन्स, और मैं आपको सारी जो रिएजेंट की प्रॉपर्टीज हैं या उसकी टेक्निक्स जो है या उसके इम्पोर्टेंस जो है बताऊंगा। लाइक द वेरी कॉमन द वेरी बेस्ट एजेंट इज लुकस रिएजेंट, ठीक है, काफ़ी अच्छा रिएजेंट है लुकस रिएजेंट। वो क्या होता है ये बताऊंगा आपको मैं। देन यू हैव फॉस्फोरस हैलाइड्स, फॉस्फोरस से कुछ हैलाइड्स हम यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड यूज़ करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ हैलोलकेन्स के लिए। दिस ऑल वी आर गोइंग शेड्यूलिंग, प्लीज़ ध्यान से पढ़ाई करना है आपको इस लेक्चर में, और प्रॉपर नोट्स निकाल लीजिए, ठीक है। नोट्स बहुत बढ़िया निकाल रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कम्प्लीटली अबाउट द नोट्स। आप कैसे नोट्स तैयार करते हो इस पर डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो जो भी बताऊंगा मैं उसको आपने बहुत बढ़िया से कॉपी के अंदर नोट करना है, एवरीथिंग यू शुड नोट इन द कॉपी। ओके गाइस, विल स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ हैलोलकेन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। सी, ध्यान देना, इसमें हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं अल्कोहल। दिस यू नो दैट की अल्कोहल होता है, इस पर आप डिफरेंट रिएजेंट्स का यूज करोगे, ठीक है, यू कन्वर्ट टू हैलोलकेन, ठीक है। अब यहां पर जो रिएजेंट आप यूज करने वाले हो, दिस रिएजेंट्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ठीक है। ये पूरा वीडियो जो होगा इसमें मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताने वाला हूँ, और वो ये चीज़ कि आप अल्कोहल से कैसे RCl या हैलोअल्केन्स क्रिएट कर सकते हो। समझ में आ रहा है, पूरा वीडियो जो है वो हैलो अल्कोहल्स से हैलोअल्केन्स की तरफ ले जाएगा आपको, ठीक है। नाउ द रिएजेंट्स, ये रिएजेंट्स कौन से होंगे जरा ध्यान देना प्लीज। द वेरी फर्स्ट इज HCl, और यू कैन से लाइक कॉन्सेंट्रेट HCl। फर्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस जिंक क्लोराइड, HCl प्लस जिंक क्लोराइड, ठीक है। इसको एक नेम दिया होता है, इट्स कॉल्ड एज लुकस रिएजेंट, लुकस रिएजेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये पहला हो गया आपका। देन दूसरा वाला जो है ये आपका होता है PCl5। तीसरा वाला जो होगा, द थर्ड वन इज PCl3, पेंटाक्लोराइड और ट्राइक्लोराइड, दोनों को अलग पढ़ना पड़ेगा। दोनों को अलग पढ़ने का रीजन ये होता है कि दोनों रिएजेंट्स के रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट्स अलग अलग बनते हैं। बाई प्रोडक्ट्स क्या होता है, जो मेन प्रोडक्ट के अलावा साथ में जो बनेंगे उसको हम बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। मान लो अगर आपने इसको रिएक्ट किया, मेन कंपाउंड तो आपका ये बनेगा, लेकिन इसके साथ में जो और दो तीन कंपाउंड बनने वाले हैं दो आर कॉल्ड एज बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके बाद फिर फिफ्थ फोर्थ वाला जो है ये होगा आपका SOCl2। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज दिस विद, इसको आप कंफ्यूज मत करना SO2Cl2 से, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। इट इज ओनली SO2, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। ये मेथड जो है दिस इज क्लासिफाइड एज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हैलोलकेन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। क्यों, इसका रीजन ये होता है कि जब आप इससे रिएक्ट करवाते हो, जब आप SO2 से रिएक्ट करवाओगे तो बाई प्रोडक्ट्स जो साथ में बनेंगे वो सब गैस फेज में बनते हैं, ठीक है। सो यू कैन इजीली सेपरेट द मेन हैलोलकेन फ्रॉम द मिक्सचर, ठीक है। इसको एक साइंटिस्ट ने किया था, इसका नाम था डार्जन तोसी के नाम पे। इट इज कॉल्ड एज डार्जन मेथड, समझ में आ गया। अल्कोहल से हैलोलकेन्स क्रिएट करने के चार रिएजेंट होते हैं, फर्स्ट इज लुकस रिएजेंट, सेकंड PCl5, थर्ड PCl3, बाद में फोर्थ SOCl2, ठीक है। Let's start. Okay guys, we will start now the first topic of halogens
फ्रॉम अल्कोहल्स, अल्कोहल्स के जो अलग अलग तरीके हैं हैलोल्केन्स तैयार करने के, उसका फर्स्ट हम अभी चालू करने जा रहे हैं, दैट इज विद द ल्यूकस रिएजेंट। ठीक है, ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है, आपने देखा था कुछ देर पहले, ल्यूकस रिएजेंट जो है वो मिक्सचर होगा कॉन्सेंट्रेटेड HCl का और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, इसको हम ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं। तो अब इसमें ठीक है, इसमें इस रिएक्शन में जो क्या होता है कि जिंक क्लोराइड जो है, इसमें जिंक क्लोराइड जो है इसका फंक्शन होता है एज ए कैटलिस्ट। बच्चों एक बात समझ लो कि ये रिएक्शन में, इस रिएक्शन को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। OH- जो है, ठीक है, OH- ठीक है, ये अंडर कैटेगरी में आता है न्यूक्लियोफाइल के। सही बात है, और इस पर जो अटैक होने वाला है Cl- का, Cl भी न्यूक्लियोफाइल है। इस रिएक्शन में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है और इसको रिप्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ओके, अच्छा इतना काफी हो गया। इसके बाद हम इसमें हम देखने वाले इसका मैकेनिज्म कैसा होगा, कैसे रिएक्शन होती है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसके मैकेनिज्म को, एंड द मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर फॉर दी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, आपके नीट एग्जाम हो गई, जे एग्जाम हो गया, उसके लिए मैकेनिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अभी, ROH plus HCl in presence of anhydrous zinc chloride will give you RC plus H2O। ठीक है, इसमें zinc chloride जो एज ए कैटलिस्ट काम करेगा और इसका हम आगे देखते हैं कन्वर्ट कर दोगे इनटू द हैलोल्केन्स। ठीक है, कैसे रिएक्शन कन्वर्ट होगा। बच्चों साथ में आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि रिएक्शन जो है ये SN1 के फॉर्मेट से होगा या SN2 के फॉर्मेट से होगा वो भी हम समझ आए। जैसे आपका मगर आपका जो रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो इसमें SN1 फॉलो होता है या SN2 फॉलो होता है या आप अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, देखो रिएक्शन क्या थी आपकी, ROH plus HCl giving you anhydrous in presence of anhydrous zinc chloride। ठीक है, RCl plus H2O देगा आपको, ये रिएक्शन था। इसका हम देखते हैं मैकेनिज्म। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज, सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपका कैटलिस्ट जो है वो अल्कोहल से रिएक्ट करता है। ओके, अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, और ये रिएक्ट करता है जिंक क्लोराइड से। जिंक बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है, अब इसके पास इसको इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर डोनेट करेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हैज दी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है जिंक क्लोराइड को। अब इस चक्कर में क्या हुआ, इस चक्कर में क्या हुआ कि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिंक इलेक्ट्रॉन गेन किया, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता उस पर आता है नेगेटिव चार्ज, तो जिंक पे आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, जिंक गॉट द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां तक बन चुका। अब इसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन जो है बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन प्लस चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करता नॉर्मली, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेगा फ्रॉम दी अल्किल ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पुल होंगे टुवर्ड ऑक्सीजन और R+ के फॉर्म में
अलग हो जाएगा आपका अल्किल ग्रुप एंड द रिमेनिंग पार्ट। अच्छा देखो अब इस पे चार्ज पॉजिटिव था, ठीक है। देखो इसके इसी बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स थे, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स थे। एक बॉन्ड कैसे बनता है, दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन इसने दिया हुआ, एक इसने दिया हुआ, तो बॉन्ड बन गया होगा। अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास पहुंच चुके हैं, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही कम थे, ठीक है। इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो इसका लगा हुआ था, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसी का था, ये तो एक्स्ट्रा उसके पास नहीं आया, ठीक है। बट ये इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास में एक्स्ट्रा आ गया है और उस एक इलेक्ट्रॉन ने इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। देयरफॉर अब यहाँ पे चार्ज नहीं बचा, सो यू विल गेट द कंपाउंड एज कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा आपको, समझ में आ गया। ये क्या होता है इसको पहचान तो क्या बोलते हैं इसको, रिच कॉन्डस कार्बोकैटायन। बच्चों एक बात ध्यान देना हमेशा, जिस भी रिएक्शन के अंदर में कार्बोकैटायन फॉर्म होगा दैट रिएक्शन इज ऑलवेज SN1 रिएक्शन। जिस भी रिएक्शन के बीच में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है दैट रिएक्शन इज SN1 रिएक्शन, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ये बन चुके हैं। अब इसके बाद क्या है, देखो आपको पता है कि रिएक्शन में क्या क्या था, HCl प्लस जिंक क्लोराइड था, ठीक है। ये तो यूज हो गया, अब इसके बाद बच गया आपका HCl, HCl का अटैक होगा। HCl में से Cl माइनस जो है वो इस पर अटैक करेगा पॉजिटिव आयन पर। Cl कहाँ पर अटैक करेगा, पॉजिटिव के पास ऑब्वियसली, है ना। Cl नेगेटिव है तो कहाँ पर जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा। एंड देन अब अच्छा सॉरी यहाँ पे जिंक पर माइनस चार्ज तो था ही पहले से, ठीक है। माइनस चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन ले लेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एच प्लस का अटैक होगा और यहाँ से OH बाहर निकल रहा है, एज ए OH माइनस बाहर निकल जाएगा एंड यू विल गेट दी H2O हियर एंड RCl हियर। समझ में आ गया बात क्या हो, अल्कोहल लिया था आपने, इलेक्ट्रॉन्स की पेयर कोऑर्डिनेट किया उसने, इलेक्ट्रॉन पेयर, टू जिंक। अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन की पेयर थी वो उसने कोऑर्डिनेट किया, दे दिया, ठीक है। उसने ऐसे इलेक्ट्रॉन मांगा नहीं बॉन्ड बनाने के लिए, उसने इलेक्ट्रॉन्स की पेयर डोनेट कर दी और एक नया बॉन्ड फॉर्म किया विद जिंक, जिंक से नया बॉन्ड फॉर्म किया। इस बॉन्ड फॉर्मेशन में इसका इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ऑक्सीजन भी नेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन सॉरी पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करता है और टॉलरेट नहीं कर पाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स पुल कर लेगा फ्रॉम दी अल्किल ग्रुप, यहाँ से आर प्लस बाहर निकलने वाला है और साथ में OH जिंक क्लोराइड बाहर निकलेगा। यहाँ पर अब यहाँ से वो ऑक्सीजन वाला जो आइटम था ये OH माइनस के फॉर्म में बाहर निकलेगा यहाँ से, एंड OH माइनस और प्लस लास्ट में जिंक क्लोराइड जो है वो विल ऑब्टेन एज इट इज, है ना। इसीलिए उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। कोई भी कंपाउंड अगर रिएक्शन में वैसा का वैसा बाहर निकल रहा है तो उसमें क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसमें कोई चेंज नहीं है, जैसा आपने लिया था वैसे आपको लास्ट में बाहर मिल जाएगा, ओके। सो यू गॉट H2O प्लस जिंक क्लोराइड, ठीक है। एंड दिस वे यू कैन सिंपली से दैट कि आप अल्कोहल HCl हो गए विद जिंक क्लोराइड, यू विल ऑब्टेन RCl प्लस H2O, ठीक है। समझ में आ गया, नोट डाउन दिस रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म जो है वो आपके एंटर बोर्ड्स में स्टेट बोर्ड में किसी काम में नहीं आएगा, इवन देर नॉट गिव इन द टेक्स्ट बुक, ठीक है। आपको बुक में शायद मिले भी नहीं ये चीज, बट इन केस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता हूँ देखने वाले कुछ देर में अभी। यू फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दिस डाउन, समझ लो क्या होगा इसमें, अल्कोहल से कैसे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जा रहे हैं, जिंक के पास जा रहे हैं, फिर ऑक्सीजन कहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, देन आर प्लस बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, एंड सिंस कार्बोकैटायन इज फॉर्म इट इज SN1 रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन जो है वो क्या है, What is SN1? SN1 is substitution nucleophilic first order reaction, ठीक है। And you will get RCl and H2O plus zinc chloride as the catalyst, जैसा मिलेगा। Stereochemistry of this compound formed, ठीक है। एक बहुत important point ये भी होता है कि जो compound बना है
वो ऑप्टिकली आइसोमर्स में कैसा बिहेव करता है, ठीक है, मतलब वो इन्वर्जन हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है, तो उसका कंपाउंड का नेचर क्या होगा हम एक बार देख लेते हैं। देखो जो ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है इसका इंटरमीडिएट कौन सा, कार्बोकैटायन, ठीक है। अब कार्बोकैटायन जो है ये आप एक बात समझ लो, ये किस टाइप का कंपाउंड होता है, ठीक है। अच्छा कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है कि इन कार्बोकैटायन देयर इज वन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफिशियंट रहेगा। मान लो अगर आपके पास एक कार्बोन इस टाइप का है, ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन कैसा रहेगा, ये रहेगा इस तरीके से, कुछ कि आपके पास एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, दूसरा एच यहाँ पे, एक प्लेन में रहेगा और एक ऑर्बिटल जो है वो प्लेन के खाली है, एक खाली ऑर्बिटल जो है वो प्लेन से ऊपर रहेगी और एक नीचे रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्पीसीज जो है वो प्लेनर है, तो जो नया सीएल का अटैक जो हो सकता है वो कहीं से भी हो सकता है, फ्रॉम द ऊपर से हो सकता है या फिर शायद से प्लेन के नीचे से हो, फ्रॉम बिलो द प्लेनर शायद से। अब इस ऐसे बिहेवियर ऐसे केस में क्या होता है कि दोनों के बनने की इक्वल चांस होते हैं, ठीक है। सो इस कंपाउंड के अंदर में इन्वर्जन भी होगा और रिटेंशन भी होगा, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एज रेसिपी मिक्सचर, इसको हम बोलते हैं इसमें मिक्सचर, ठीक है। इसमें दोनों चीजें होंगी, इसमें रिटेंशन भी होगा और प्लस इन्वर्जन भी होगा, समझ में आ गई बात। कार्बोकैटायन जो है वो एक प्लेनर स्पीसीज है, ये बात हमेशा जिंदगी भर याद रखो कि कार्बोकैटायन जो है वो एक प्लेनर स्पीसीज है, एक प्लेन में लाया करती है और उसके पास ऑर्बिटल्स जो खाली होती हैं वो प्लेन के अप और डाउन में होती है। अटैक होने के चांसेस जो वो प्लेन के अबोव से भी हैं और प्लेन के बिलो से भी हैं, दोनों से अटैक हो सकता है। देयरफॉर द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट कंपाउंड इस रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, जो कंपाउंड बनेगा वो एक रेसिमिक मिक्सचर होगा, मतलब इस वाले कंपाउंड के अंदर में रिटेंशन भी हो रहा होगा और इन्वर्जन भी हो रहा होगा। ओके बच्चों, तो एग्जांपल एक बार देख लेते हैं कि इस मैकेनिज्म में इन्वर्जन होता है, टेंशन होता है, एग्जांपल से एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखो, ठीक है, ये कंपाउंड था, एक टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल में अगर आपने HCl को ऐड किया जो कि कॉन्सेंट्रेटेड था, ठीक है, और साथ में आपने ऐड किया एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को, क्या होगा यहाँ पे लुकास एजेंट के लिए आपने OH रिप्लेस होगा HCl से, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लो कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, कितने कंपाउंड यहाँ फॉर्म होंगे, दो कंपाउंड फॉर्म होंगे यहाँ पे, कौन से, एक में रिटेंशन हो रहा होगा और एक में इन्वर्जन हो रहा होगा, समझ रहे हो बात को, एक में रिटेंशन होगा मतलब कि जो कंपाउंड था उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेंशन होगा, मतलब वो वैसा ही वैसा मेंटेन रहेगा, ठीक है। इन्वर्जन क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ग्रुप उस तरफ चल जाएगा और सीएल जो है न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस तरफ आ जाएगा, इन्वर्टेड कंपाउंड फॉर्म होगा। इन्वर्ट यानी क्या होता है, उल्टा कंपाउंड, समझ में आ गया। ज्योमेट्रिक क्या बोलते हैं, सिंगल केमिस्ट्री सेम है यहाँ पे, यहाँ पर सिंगल केमिस्ट्री जो है वो सेम है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर सिंगल लगा है, यहाँ पर मेन ग्रुप जो है वो इन्वर्ट होके उस तरफ आ चुका है, ठीक है। इसको बोलते हैं
resonant mixture, ठीक है। अच्छा इसको हम बोलेंगे resonant mixture। अब आपके एक सवाल आपके हो चुके हैं, बताओ इस वाले कंपाउंड में क्या बन रहा होगा। अब यहां पर रिटेंशन होगा या इन्वर्जन होगा, इस वाले कंपाउंड में रिटेंशन होगा या इन्वर्जन होगा। देखो इसके लिए चेक करना पहले कि जहां पर आपका OH ग्रुप लगा हुआ है क्या वो वाला कार्बन काइरल कार्बन है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक वेदर द कार्बन एटम इज काइरल और नॉट, ठीक है। ये वाला कार्बन जो है वो काइरल है या नहीं है ये पहले चेक कर लो। इस वाले कंपाउंड में कार्बन काइरल नहीं है तो यहाँ पे सवाल ये उठता, अच्छा ये काइरल कार्बन क्यों नहीं है, क्योंकि इस वाले कार्बन के ऊपर चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स नहीं लगे हुए हैं। जिस कार्बन के चारों तरफ ऑल दी फोर वैलेंसीज आर फिल्ड विद डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। इस कार्बन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हुए, यहाँ पे मिथिल ग्रुप, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे बेंजीन फेन ग्रुप लगा हुआ। अब इसमें काइरलिटी है, ये कार्बन जो है वो काइरल कार्बन है। दिस कार्बन इज काइरल, काइरल कार्बन। अब आप काइरल बोल लो या कुछ ही बोल लो, ठीक है, चिरल चायरल जो भी कह लो, ठीक है, ये काइरल कार्बन होता है। बट ये कार्बन काइरल नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एक कंपाउंड फॉर्म होगा, कौन सा वाला, सिंपल। इसमें कोई रिडक्शन या नॉलेज होगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक कंपाउंड फॉर्म होगा। देर इज नो रेसोनेंट मिक्सचर। बट इस वाले इसमें देर आर टू कंपाउंड्स फॉर्म एंड देर इज फॉर्मेशन ऑफ रेसोनेंट मिक्सचर। यहाँ पर रेसोनेंट मिक्सचर क्रिएट हुआ, समझ में आ गया, ठीक है। इसको नोट करो, ठीक है, सब कुछ नोट करते जाओ, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ टॉपिक क्लास में ये आपको नोट करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट करना है। तो कल जरा एक और बात कर लें, यहाँ पे एक जरूरी बात ऐसी है कि स्टेबिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन कितना फास्ट होगा इसमें ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा अल्कोहल लिया हुआ है, ठीक है। आपने कौन सा अल्कोहल लिया इस पर डिपेंड करेगा। अच्छा तो एक बात याद कर लो कि द इंटरमीडिएट फॉर्म इन दिस रिएक्शन इज क्या होगा, कार्बोकैटायन होगा, ठीक है। इंटरमीडिएट जो है और इंटरमीडिएट जो है आपका कार्बोकैटायन रहेगा, ठीक है। अब कार्बोकैटायन जो फॉर्म हो रहा है, कार्बोकैटायन जो फॉर्म होगा उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन कितना फास्ट होगा, ठीक है। आपको पता है कि कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी क्या होती है, टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल दैन दी सेकेंडरी कार्बोकैटायन दैन दी प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है। इट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर कार्बोकैटायन, ठीक है। कार्बोकैटायन हम शॉर्ट में लिखते हैं सी प्लस, ठीक है। इंटरमीडिएट कार्बन प्लस है, कार्बोकैटायन, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये रिएक्शन जो है रिएक्शन ऑफ ROH प्लस HCl in presence of anhydrous zinc chloride, ठीक है। इस reaction का जो rate है, इसका जो rate है, ये rate proportional रहेगा to the stability of carbocation। ठीक है, ये बात को बहुत ध्यान से याद कर लो और नोट भी कर लो आप इसको, very important thing। ये रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा कि आपका कार्बोकैटायन जो बना है वो कितना स्टेबल है, ठीक है। रेट क्या होगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल दैन दी सेकेंडरी कार्बोकैटायन दैन दी प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है। इस पर देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछते हैं।
But before going to questions, there is one very small thing I want to tell you guys. ठीक है. जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम था ल्यूकस. ठीक है. तो ल्यूकस ने एक टेस्ट भी दिया आपके एग्जाम कॉलेज में, एक टेस्ट भी काम में आएगा. दैट टेस्ट इज कॉल्ड एज ल्यूकस टेस्ट. ठीक है. ल्यूकस ने टेस्ट दिया था. व्हाट इज द टेस्ट? कोई भी टेस्ट क्या होता है जिसमें आप अलग अलग कंपाउंड्स जो आपको दिए हुए हैं उसमें क्लासीफाई कर सको. ठीक है. अब ल्यूकस का जो टेस्ट था ये हमें तीन बातों को चेक करने के लिए काम में आता है. कौन सी तीन बातें? अगर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल लिया आपने, ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल लिया आपने और आपने इसमें ल्यूकस रिएजेंट, ठीक है, ल्यूकस रिएजेंट क्या होगा याद तो आपको ये भूल गए. ल्यूकस रिएजेंट इज कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनहाइड्रस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनहाइड्रस वर्ड? जिसमें मॉइस्चर ना हो. ठीक है. द मीनिंग ऑफ एनहाइड्रस इज जिसमें मॉइस्चर ना हो. ठीक है. और अगर कहीं पर ऐसा वर्ड यूज किया है कि हाइड्रेटेड मॉइस्चर लिया है मिक्सचर, तो उसमें मतलब होता है कि देयर इज सम मॉइस्चर. ठीक है. अगर वर्ड यूज कर रहे हैं एनहाइड्रस, इट इज मीनिंग कि वो ड्राई है. ठीक है. एंड इफ द वर्ड यूज इज हाइड्रेटेड, इट मीन्स देयर इज सम मॉइस्चर. ठीक है. थोड़ा मतलब गीला करके लिया है उसको. एनहाइड्रस हाइड्रेटेड. ठीक है. दोनों वर्ड याद रखो. ल्यूकस टेस्ट क्या बोलता है कि टर्शियरी वाला अल्कोहल है, ठीक है, देन सेकेंडरी वाला अल्कोहल है एंड देन प्राइमरी वाला अल्कोहल है. ठीक है. अगर तीनों टाइप के अल्कोहल में आप अगर ल्यूकस का रिएजेंट ऐड करोगे, जो ल्यूकस का रिएजेंट है अगर आप वो ऐड करोगे तो क्या होता है ना? अच्छा, तीनों केस में RCl फॉर्म्ड होगा. ठीक है. तीनों केस में RCl ही फॉर्म्ड होगा. अच्छा, क्या होता है कि RCl का एक वाइट कलर का सफेद रंग का प्रेसिपिटेट मिलता है. वाइट कलर प्रेसिपिटेट मिलेगा. सो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म वाइट कलर. ठीक है. तीनों का होगा ऑब्वियसली, वाइट कलर का होगा, प्रेसिपिटेट होगा और वाइट. अच्छा, अब क्या होता है ना, अभी देखा हमने कि टर्शियरी का रेट बहुत फास्ट होता है, टर्शियरी वेरी फास्ट, देन सेकेंडरी का उसका कम रहेगा लेकिन प्राइमरी का बहुत कम रहेगा. ठीक है. अब क्या होता है ना कि टर्शियरी वाले अल्कोहल में, टर्शियरी अल्कोहल में ल्यूकस रिएजेंट का जो टेस्ट होगा, दिस इज इमीडिएटली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. टर्शियरी अल्कोहल लिया, ल्यूकस का अपने इसमें रिएजेंट ऐड किया, तो व्हाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट मिलेगा वो तुरंत मिलेगा. आपने ऐड किया और इमिजिएटली वहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा. लेकिन सेकेंडरी में थोड़ा सा कम मिलता है, लाइक मतलब थोड़ा लेट मिलेगा. द रेट इज समवॉट स्लो. ठीक है. एट सम टाइम ऑफ लाइक 5 से 10 मिनट लगते हैं इसको, लेकिन रिएक्शन हो जाती है. ठीक है. लेट मिलता है. एंड सरप्राइजिंगली मतलब यहाँ पर रिएक्शन जो है नहीं होता है. एनसीईआरटी में दिया है कि इसमें होता है, बट एनसीईआरटी में बात एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर अगर आप हीट करोगे तो कंपाउंड मिलेगा. ठीक है. अदरवाइज नहीं मिलेगा. अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लोगे, ल्यूकस का उसमें अगर आप रिएजेंट ऐड करते हो और सम हीट इज ऑल्सो गिवन और सम कुछ आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वहाँ पर रिएक्शन होगा. अदरवाइज एट रूम टेम्परेचर there is no reaction of Lucas reagent on the primary alcohol. समझ में आ गया? टर्शियरी लिया था तुरंत मिलेगा, सेकेंडरी में कुछ देर के बाद मिलेगा, प्राइमरी में रूम टेम्परेचर पर नहीं मिलेगा. अगर प्राइमरी में आपने लिया है एंड एट रूम टेम्परेचर पर अगर आप रिएक्ट कर रहे हो, सो देर इज नो कंपाउंड ऑब्जर्व. और इस तरीके से आप तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तीनों को आप अलग अलग निकाल सकते हो. अगर आपको तीन सैंपल दिए और बोला कि इसमें से किसी में जो है टर्शियरी वाला, किसी में सेकेंडरी, किसी में प्राइमरी है, तो जिसको ऐड करने के तुरंत बाद मिलेगा वो टर्शियरी हो गया. ठीक है. जिसको ऐड किया कुछ देर मिल रहा है सेकेंडरी हो गया, और जिसको ऐड किया आपने और रूम टेम्परेचर पे कुछ नहीं मिल रहा है, इट इज प्राइमरी. ठीक है. हाँ, तो बच्चों
अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा उसके ऊपर में। ये क्वेश्चंस आपको समझने में काफी हेल्प करेंगे, मतलब आखिर कैसे अल्कोहल से हैलोलिकेंस तैयार होता है, ठीक है। क्वेश्चंस ध्यान से समझ लो एक बार और उन्हें ठीक है याद कर लो कि ये आइडिया यूज करना है आपको अल्कोहल्स के लिए अगर आपको हैलोलिकेंस में कन्वर्ट करना हो। क्वेश्चन नंबर वन, गिव अ टेस्ट टू और टू क्लासिफाई और लेवल सेपरेट आइसोप्रोपिल अल्कोहल एंड इथेनॉल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल और इथेनॉल दो कंपाउंड दे रखे हैं आपको और इन्हें अलग अलग सेपरेट करने के लिए टेस्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे इसमें आपको याद रखना है कि अगर आपको दो अल्कोहल दिए हैं तो नॉर्मली लुकस टेस्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल लुकस टेस्ट क्या बोलती है, लुकस टेस्ट को याद कर लो। इट सेज दैट कि अगर टर्शरी वाला अल्कोहल लोगे, ठीक है, तो इमीडिएटली और यू कैन से लाइक अगर टर्शरी लोगे तो प्रेसिपिटेट जो है प्रेसिपिटेट आपको इमीडिएटली मिल जाता है, ठीक है। सेकेंडरी लोगे तो क्या होगा, सम प्रेसिपिटेट जो होगा अगेन प्रेसिपिटेट, ठीक है, 5 से 10 मिनट के बाद मिलेगा। सेकेंडरी में तुरंत नहीं मिलता है, कुछ देर के बाद मिलता है, 5 से 10 मिनट के बाद मिलता है। प्राइमरी लोगे तो नहीं मिलेगा एट ऑफ डेट, ठीक है। ओके, कैन यू ड्रॉ आइसोप्रोपिल अल्कोहल, क्या ड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो, कैसे बनेगा, ये आपका है आइसोप्रोपिल अल्कोहल है आपका, ठीक है। इट इज अ सेकेंडरी, ठीक है, आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। और इथेनॉल क्या होगा, हाउ टू मेक इथेनॉल, यहां मैंने एच लिखे नहीं, अच्छा हो तो ये ऐड कर लो, ठीक है। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। ये आपका IPA है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, ये आपका इथेनॉल है, इथेनॉल। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल कोई रिएक्शन शो नहीं करता है, सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कुछ देर में आपको प्रेसिपिटेट दे देगा, ठीक है। इस तरीके से आप आइसोप्रोपिल अल्कोहल को और इथेनॉल को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। बच्चों एक और सवाल देख लेते हैं इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव लुकस टेस्ट, ठीक, मतलब नीचे दिए कंपाउंड में से कौन से कंपाउंड आपको पॉजिटिव टेस्ट देंगे लुकस रिएजेंट के लिए, ठीक है, मतलब कौन से कंपाउंड कौन से रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है। पहला वाला है CH3CH2OH, दूसरा वाला है CH3CH OH CH3, तीसरा वाला है, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के सही आंसर जो है वो ज्यादा हो सकते हैं एक से,
ठीक है, इसमें से कौन से कंपाउंड शो कर सकते हैं? देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है तो ये तो शो नहीं करेगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल है ये शो करेगा, ठीक है ये भी शो करेगा, इसमें डाउट है। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर इन केस ऑफ दिस कंपाउंड इट इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक ग्रुप, ठीक है तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, समझ रहे हो चीज को? देखो इस वाले कंपाउंड के लिए कार्बोकैटायन क्या फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा इसके लिए फॉर्म होगा कुछ इस तरीके से। नाउ दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ग्रुप, ठीक है CH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड पाई सिग्मा पॉजिटिव वाली यहाँ पे कॉन्जुगेशन आ रही है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, तो ये भी काफी स्टेबल होगा। ठीक है, द रेट ऑफ लुकस रिएजेंट टेस्ट डिपेंड्स ऑन द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म। अब जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्म हो रहा है वो काफी स्टेबल है, क्यों? बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, समझो रेजोनेंस के कारण ये ग्रुप स्टेबलाइज हो चुका है और इस पर फॉर्म होने के बाद में स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्राइमरी अल्कोहल इवन दैन सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी से भी ज्यादा स्टेबल होगा, देयरफॉर दिस कंपाउंड ऑल्सो शोज पॉजिटिव लुकस टेस्ट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी सी और डी, दीज थ्री कंपाउंड शो पॉजिटिव लुकस टेस्ट। ठीक है, हाँ तो गाइस फिर चलते हैं नेक्स्ट एजेंट की तरफ। ओके गाइस, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एजेंट, दैट इज PCl5। ठीक है, PCl5 इज वेरी इंपॉर्टेंट एजेंट टू कन्वर्ट अल्कोहल्स इनटू द हैलोकिन्स, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप जानते हो अल्कोहल ROH होता है, इसके बाद में इसको रिएक्ट करना है आपने PCl5 से। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जरूरी बात यहाँ पर एक ही है, PCl5 में और PCl3 में द मेन कंपाउंड जो फॉर्म होगा वो दोनों में सेम है, RCl। इन बोथ द रिएजेंट्स PCl5 में और PCl3 में जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो RCl ही होगा, इट इज सेम बट द बाई प्रोडक्ट फॉर्म आर डिफरेंट। ठीक है, इस वाले कंपाउंड में ये फॉर्म होता है POCl3 and एग्जाम्पल एक कर रहे थे इसको। प्लस POCl3 और प्लस HCl। ठीक, अगर आपने इथेनॉल लिया तो PCl5 से रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा? इट विल फॉर्म एथिल क्लोराइड बनेगा और प्लस यू विल गेट POCl3 प्लस HCl। ठीक है, ये बनेगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स मैकेनिज्म। अगला पार्ट जो है इसका मैकेनिज्म है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए इसको कि क्या होने वाला है। ठीक है, इसको मैं जरा साफ कर देता हूँ यार। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म समझते हैं कि कैसे एक अल्कोहल रिएक्ट करेगा विद PCl5। यू शुड नो वन थिंग, PCl5 जब भी रिएक्ट करेगा तो क्वेश्चंस दो टाइप से पूछ सकते हैं। कैसे कैसे पूछेंगे क्वेश्चन? PCl5 जो है जब इसका रिएक्शन होगा विद अल्कोहल तो रिएक्शन दो टाइप से होगा। कैसे? एक होता है PCl5 जब वो गैस फेज में लेते हैं और एक होता है जब वो सॉलिड फेज में होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो आपने ये समझना है कि PCl5 जो है वो
गैस कंडीशन में लिया हुआ है, ठीक है। अगर वो उसका अगर मतलब ऐसा है, इफ ही वांट टू एक्सप्रेस कि PCl5 इज अ सॉलिड फॉर्म, सो ही विल टेल दैट, वो बताएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सॉलिड है तभी समझना है कि सॉलिड, अदरवाइज इन एनी केस अगर इफ इट इज नॉट गिवन देन इट इज गैस ही होगा, ठीक है। जब भी सॉलिड बताएगा कि मतलब PCl5 जो है वो सॉलिड है ऐसा बताना है उसको, ही विल टेल दैट, बताएगा क्या बोल। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ PCl5। गाइज, देयर इज वन थिंग टू टेल यू, एक बात जान लो कि PCl5 जब रिएक्ट करता है तो दो टाइप से रिएक्ट करता है, एक गैस में और एक सॉलिड फॉर्म में। PCl5 रिएक्ट एज गैस एंड सॉलिड, इफ नथिंग इज गिवन इट इज इन गैस स्टेट, ठीक है। इफ ही वॉन्ट इम्प्लाई कि आपको सॉलिड यूज करना है, ही विल टेल यू क्लियरली, क्वेश्चन में क्लियरली दिया होगा कि सॉलिड यूज करना है, अदरवाइज एवरी वेयर इट इज गैस फॉर्म, ठीक है, गैस फॉर्म रहेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। अल्कोहल लोगे, PCl5 लोगे, वेरी क्लियर। अल्कोहल में ऑक्सीजन एज लोन पेयर, लोन पेयर क्या करेगा, फास्फोरस को डोनेट करेगा, ठीक है। क्यों डोनेट करेगा, क्योंकि यहां से क्लोरीन जो है वो निकल के भाग रहा है, क्लोरीन जो है वो निकल के भाग रहा है Cl-, ठीक है, Cl- में क्लोरीन बाहर निकल रहा था। इफ एनी वेयर इट इज रिटन ऑन द एरो कि -Cl नेगेटिव, यानी क्या होगा, कम हो रहा है, इस कंपाउंड में से कुछ माइनस हो रहा है, इसीलिए माइनस लिखा हुआ है। -Cl- दिया मतलब Cl- इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल रहा है, तो इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे जब दिख रहा है कि प्लस चार्ज बन रहा है, तो बगल में बैठा ऑक्सीजन जो है बोलता है भैया इसको इलेक्ट्रॉन चलो डोनेट कर देते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन फॉस्फरस, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसके पास इलेक्ट्रॉन की पेयर थी, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी थी इसके पास में, दो इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया फॉस्फोरस को, इसका आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब Cl गया था बाहर तो इस पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज किया था उसने, पर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज फास्फोरस बना हुआ था वो खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव आइटम है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा, छीन लेगा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो बच्चों क्या हो रहा है कि इन द सिस्टम जो क्लोरीन बाहर निकल रहा था वो मिक्सर में प्रेजेंट था, वो मिक्सर के अंदर ही प्रेजेंट है कहीं पे, ये क्लोरीन जो है, ठीक है, अगल बगल घूम रहा है। और साथ में क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑन ऑक्सीजन यू नॉट पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीन लेगा हाइड्रोजन से, ठीक है, और एच प्लस बाहर जाएगा, ठीक है, एच प्लस बाहर चला गया, लेकिन साथ में यहाँ पे Cl था, देयर इज Cl नेगेटिव, तो अब ये दोनों मिला के HCl फॉर्म कर लेंगे, दे विल फॉर्म एंड HCl विल गेट आउटसाइड, माइनस निकल जाएगा, समझ में आ गया। पहले वाला Cl और इस वाले स्टेप में H प्लस बाहर आया, ठीक है, H प्लस Cl माइनस विल फॉर्म HCl एंड दे विल गेट आउटसाइड, बाहर चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या मिलेगा यहाँ पे, ये कंपाउंड फॉर्म होगा और साथ में ऑब्वियसली HCl बन रहा है, पहले का Cl मिला, समझ में आई बात, ये कंपाउंड फॉर्म हो गया। अब क्या होगा, एक और Cl बाहर निकलना चाहेगा, वन मोर Cl इज गेटिंग आउटसाइड, ठीक है। अब ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आएगा, इधर Cl- बाहर जा रहा होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन, अच्छा इलेक्ट्रॉन जब वापस इस स्टेप पे जब इलेक्ट्रॉन गेन किया हाइड्रोजन से ऑक्सीजन ने, तो जो इसके लोन पेयर थे वो इससे फिर से आ गए, ठीक है। एक लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट था पहले इसके ऊपर में, पहले में एक लोन पेयर दिया, सेकंड में प्लस चार्ज आ गया, थर्ड में फिर से इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने एच से, ठीक है। अब फिर से दो लोन पेयर इस पे आ चुकी है, अब वापस जैसे ही क्लोरीन एज अ Cl- बाहर जाएगा,
तो ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, और यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब सिमिलरली क्या होगा, एज अ सेम स्टेप सीएल जो है भी गया नहीं है, सीएल ही बैठा हुआ है, सीएल मैंने जो बगल में बैठा हुआ है, ठीक है। और इस स्टेप में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इसमें लूज किया ऑक्सीजन ने, तो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन भी नेगेटिव आइटम, ठीक है, क्योंकि जब ऑक्सीजन नेगेटिव आइटम है तो ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रॉन छीनेगा इससे पॉजिटिव वाले आइटम से, मिथिल अल्किल ग्रुप से, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे R प्लस बाहर निकलेगा, और क्योंकि यहाँ Cl बगल में था, दे विल फॉर्म RCl, एंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब उसने छीन लिया यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन की इसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, इट विल गेन न्यूट्रल चार्ज, इस पर चार्ज खत्म हो जाएगा, एंड इट विल फॉर्म POCl3। समझ में है? देखो पूरा जो मैकेनिज्म होगा ना, वो आपको ओवरऑल क्या दिखाता है कि जो आपने रिएक्शन पोस्टुलेट किया था, जो रिएक्शन खोज के निकाली थी हमने, इसको फुलफिल कर रहे हैं। अल्कोहल लोगे, पीसीएल लोगे, जब दो रिएक्टेंट लोगे तो फर्स्ट स्टेप में यहां पे एचसीएल बाहर निकल रहा है, ठीक है, और लास्ट में आपका आरसीएल और पीओसीएल3 बन रहा है, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल मैकेनिज्म जो है वो रिएक्शन को सेटिस्फाई करता है हमेशा। समझ में आया क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में, इन द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की लोन पर फॉस्फोरस को डोनेट करेगा, सीएल अगले बैठा आगे, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन नेगेटिव आइटम है, प्लस चार्ज उसको नहीं चाहिए, पहले वो मतलब बच्चा बहुत ही शरारती है, इलेक्ट्रॉन छीनता है लोगों से, आपने उससे चार्ज इलेक्ट्रॉन छीन लिया, इसका आ गया प्लस चार्ज, लेकिन प्लस चार्ज है वो उसको पसंद नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन छीनेगा पहले वो हाइड्रोजन से, ठीक है, अब यहाँ पे एच सीएल से कंबाइंड कर लेगा, ये जो एच निकलेगा वो पहले निकले हुए सीएल से कंबाइंड करेगा, ठीक है, एच सीएल फॉर्म करके बाहर आ गया। अब यहाँ पर ये कंपाउंड बन गया, अगेन सीएल विल गो आउटसाइड, ठीक है, और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोमिनेट किया फिर से फॉस्फोरस को, ठीक है। अब ऑक्सीजन फिर से, ऑक्सीजन के फिर से चार्ज आएगा निगेटिव, ठीक है, उसको माइनस चार्ज, इसको प्लस चार्ज नहीं चाहिए, तो फिर से इलेक्ट्रॉन वो पुल करेगा फ्रॉम द अल्किल ग्रुप, ठीक है, और अल्किल जो है वो एज अ आर प्लस बाहर आएगा, एंड आर प्लस एंड सी एल विल कंबाइन, एंड दे विल फॉर्म द योर डिजायर्ड कंपाउंड आर सी एल, अगेन पी ओ सी एल थ्री फॉर्म होगा, रिएक्शन इज सेटिस्फाइड। गाइस बिफोर रबिंग दिस रिएक्शन यू मस्ट नो वन थिंग, एक बात आपको जान लो कि यहाँ पर जो है ना एस एन आई, और यू कैन सिंपली से इस वाली रिएक्शन में एस एन आई मैकेनिज्म फॉलो होता है, इट फॉलोज एस एन आई मैकेनिज्म, इट्स कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। यहाँ पर जो सी एल जो आया है, ठीक है, उसने सेम मॉलिक्यूल में अटैक किया, समझो सीएल जो है वो उसने एसएन सेम मॉलिक्यूल में अटैक किया, सो इट्स कॉल्ड एस इंटरमॉलिक्यूलर हैलोजिनेशन, ठीक है। अच्छा ओके, हाँ तो अब इस केस में क्या होता है कि जिस भी केस में एसएन आई मैकेनिज्म फॉलो होता है वहां पर कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन होता है, क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन का हमेशा रिटेंशन होगा, मतलब जिस तरफ पहले से कंपाउंड आर और एच था सीएल भी सेम साइड से अटैक करेगा, ठीक है, जो इसका स्टीरियो केमिस्ट्री होगा वो सेम केमिस्ट्री स्टीरियो केमिस्ट्री इसका भी होगा, समझ में आ रहे हो। इन शॉर्ट में अगर एस एन आई मैकेनिज्म फॉलो करता है तो वहां पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री इज सेम एज द टेकन अल्कोहल, जो आपने अल्कोहल लिया था वैसा ही सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री आपके प्रोडक्ट आरसीएल का भी होगा, ये बात बतानी थी, नाउ वी कैन नोट दिस आउट, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। गाइस द सेकंड मैकेनिज्म, दैट इज सेकंड पार्ट भी है इसका मैकेनिज्म का, जहां पर हम यूज करते हैं, जहां पर
हमें ये समझना होता है कि मान लो अगर PCl5 आपका सॉलिड फॉर्म में है तो ठीक है, जो पहले देखा हमने वो था फॉर PCl5 इन गैस फॉर्म, ठीक है। नाउ इफ यू हैव यूज्ड PCl5 इन सॉलिड फॉर्म, अगर PCl5 आपका सॉलिड फॉर्म में है, अगर एक क्रिस्टल फॉर्म में है, तो उसके लिए मैकेनिज्म क्या होगा वो हम अब देख रहे हैं। इसके पहले वाला था वो PCl5 गैसियस फॉर्म के लिए था, ठीक है। नाउ यू शुड नो वन थिंग, एक बात जान लो, PCl5 जो सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है, तो वो एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब क्या होगा इस वाले मैकेनिज्म में, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज अल्कोहल लोगे, और इसमें क्योंकि अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल से जुड़ा है तो यहाँ पे क्या अटैक करेगा, PCl4 अटैक करेगा, ठीक है। PCl4 फर्स्ट स्टेप में आ रहा है, और यू कैन सिंपली से इस तरीके से P पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर में क्या होगा, सिंपली दिख रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा इसको, सो दे विल फॉर्म अ बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज पी सी एल सी एल और सी एल, ठीक है। O पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो H से छीन लेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से वो छीन लेगा हाइड्रोजन से, नाउ दे विल फॉर्म व्हाट, इस तरीके से फॉर्म कर लेगा बॉन्ड, ठीक है। अब क्या होता है ना कि ऑक्स के बाद में क्लोरीन जो है वो बाहर निकलना शुरू करेगा, ठीक है, क्लोरीन बाहर निकलना शुरू करेगा, ठीक है, सो इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पेयर प्रेजेंट है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट है यहाँ पे Cl Cl Cl, ठीक है, इस तरीके से होगा, Cl बाहर चला गया एज ए Cl माइनस, ठीक है। और अब मिक्सचर में क्या है, देखो यहां से H बाहर चला गया था, ठीक है, अब ये H प्लस इसे कंबाइन कर लेगा, इन द मिक्सचर यू हैव H प्लस एंड Cl माइनस, दे बोथ विल कंबाइन एंड फॉर्म HCl, ठीक है। अब ये कंपाउंड ऐसा प्रेजेंट होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, नो अगेन ऑक्सीजन विल गिव इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉस्फोरस, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा एंड दे विल फॉर्म डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इस पे आ गया फिर से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब यहां पर PCl6 का अटैक होगा, PCl6 माइनस, ठीक है गाइस, PCl6 जो है, ठीक है, व्हाट इज PCl6, PCl6 माइनस इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ PCl5 प्लस Cl माइनस, समझ पा रहे, तो इन शॉर्ट में यहां पे Cl माइनस का अटैक होगा, ठीक है। इन शॉर्ट में क्या होगा, PCl5 प्लस Cl माइनस यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, तो Cl जो है वहाँ पे अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रॉन इस पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस पर इलेक्ट्रॉन छीन के वो फुलफिल कर लेगा, नाउ वी गॉट R प्लस, अब ये R प्लस से Cl माइनस कंबाइंड करके फॉर्म कर लेगा RCl एंड यू विल गेट POCl3 अगेन हियर, समझ में आ गया, RCl मिल गया, PCl3 मिल गया और HCl से मिल चुका था, सो ऑल द प्रोडक्ट आर फॉर्म इन द रिएक्शन, तो सारे प्रोडक्ट फॉर्म हो चुके हैं आपके। अब ये अलग से क्यों पढ़ना पड़ता है, ठीक है, ये अलग से पढ़ना पड़ता है इसलिए क्योंकि ये जो है इट फॉलोज SN2 mechanism, it follows SN2 mechanism, और SN2 mechanism में क्या होता है, what happens in the SN2 mechanism, SN2 mechanism में क्या होता है, it follows inversion, समझ में आ रहा है, जिस केस में SN2 फॉलो होगा वहां पे साइड इन्वर्ट होके फॉर्म होगी, अगर मान लो कि ROH इधर है तो Cl क्या होगा, उसके अपोजिट से अटैक कर रहा होगा, देखो ना, अगर यहां से कंपाउंड है, क्योंकि अब क्या होता है, अब अटैक जो मॉलिक्यूल के अंदर से नहीं हो रहा है, मॉलिक्यूल के अंदर से नहीं आ रहा, अब वो बाहर से आ रहा है PCl6 के फॉर्म में आ रहा है, बात समझ में आ रही है। देखो इसके पहले क्या था, इसके पहले एक पूरा कंपाउंड था PCl5, अटैक वहां से हो रहा था, यहां पर पहले PCl4 प्लस का अटैक हुआ, उसने एक इंटरमीडिएट फॉर्म किया पहले, एंड देन जो यहां पर बना इंटरमीडिएट इसके ऊपर अलग से एक क्वांटिटी का अटैक हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर अटैक इस तरफ से तो नहीं हो सकता,
अटैक अपोजिट तरफ से होगा, देयरफॉर इट फॉलोज एसेंटो मैकेनिज्म एंड देयरफॉर इट हैज इन्वर्जन एज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इन्वर्जन हो रहा होगा, अपोजिट साइड से नया ग्रुप ऐड होता है। सीएल जो कहाँ से होगा, अपोजिट से ऐड होगा आर ओ एच के साथ। गाइज जो भी आपको मैं सिखा रहा हूँ प्लीज इसके प्रॉपरली नोट निकालिए, आपके पास प्रॉपर नोट्स प्रेजेंट होने चाहिए, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपके पास सही से नोट्स नहीं होंगे तो वो मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो भी मैं क्लास में करवा मतलब वीडियोस में बता रहा हूँ आपको, उसके सही से नोट्स निकाल लीजिए, ठीक है। प्रॉपर हर एक सेंटेंस को नोट कीजिए, इवन अगर मैं कुछ बीच में बोल रहा हूँ जो मैं लिखवाना भूल गया वो भी आप पॉइंट नोट करते जाइए, ठीक है। जो आपने देखा अभी कि मतलब PCl5 गैस फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, PCl5 अगर सॉलिड फॉर्म में तो क्या होगा, दोनों समझ में आने चाहिए आपको। उस पर बेस्ड मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग नोट कर लीजिए और उसको देख के आप समझ लीजिए कि क्वेश्चंस कैसे करने एग्जाम में। अगर इस कंपाउंड के ऊपर आपने PCl5 एक बार गैस फॉर्म में यूज किया, ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो, अगर मान लो कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा, हमेशा PCl5 इन गैस फॉर्म ही रहेगा। कुछ अगर नहीं लिखा है गैस सॉलिड तो क्या होगा, गैस एज्यूम करना है, ठीक है। अदरवाइज अगर उसको बोलना है कि सॉलिड है तो हमेशा वो लिख के बताएगा आपको कि वो सॉलिड है PCl5, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें SnI होता है तो क्या होगा, रिटेंशन होगा, जो नया ग्रुप ऐड होगा वो सेम साइड से ऐड होगा, समझो। इनके जो सॉलिड नया ग्रुप क्या होगा, हमेशा इन्वर्जन फॉलो करेगा, इन्वर्ट साइड से ऐड होगा। अगर मान लो OH यहां लगा है तो इन केस ऑफ PCl5 सॉलिड न्यू ग्रुप Cl विल कम फ्रॉम दी अपोजिट साइड, इस साइड से ऐड होगा। तो कंपाउंड क्या फॉर्म होगा यहां पे, Cl यहां पे लग रहा है Cl क्या होगा, इन्वर्जन होगा, अपोजिट से ऐड होगा। बात समझ में आ गई, इन केस ऑफ गैस फॉर्म, ठीक है, यहां पर क्या होता है, रिटेंशन होता है, सीजो केमिस्ट्री का रिटेंशन होगा, ठीक है। कॉन्फिगरेशन जो है वो रिटेंशन होगा उसका, इसका जो कॉन्फिगरेशन पहले था वही यहां पर है, जहां पर OH था उस डायरेक्शन में ही Cl भी जुड़ा हुआ है। इन केस ऑफ PCl5 सॉलिड Cl जो है वो अपोजिट साइड से जुड़ेगा, देयर इज इन्वर्जन, इन्वर्जन होगा। समझ रहा आगे बात क्लियर है, ओके नेक्स्ट। देयर इज वन मोर थिंग फॉर दिस, इसके लिए एक और बार जाना पड़ेगा। बच्चों मान लो अगर यहाँ पे अगर कार्बन अगर काइरल नहीं है तो क्या होगा, देयर इज सिंपली वन कंपाउंड फॉर्म, ठीक है। PCl5 लिया हुआ, ठीक है। अब मान लो ये गैस लो या सॉलिड लो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, ठीक है, बिकॉज ये कार्बन तो काइरल है ही नहीं ना। अब इस कार्बन पे क्या है, दो H लगे हुए हैं, ठीक है। और काइरल क्या होता है, जब कार्बन की दोनों तरफ सॉरी जब कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट अगर ग्रुप से जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर इस कार्बन के ऊपर चारों बॉन्ड जो है वो अलग अलग आइटम से बने होते हैं, अलग अलग ग्रुप से जुड़े होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं काइरल कार्बन आइटम। बट यहाँ पर दो एच तो सेम हो गए, सेम नहीं होना चाहिए, अगर सेम नहीं होगा तभी तो काइरल होगा, HH सेम है, सो इट इज नॉट अ काइरल कार्बन आइटम। तो इस वाले केस में कंपाउंड में इन्वर्जन से और इन्वर्जन से मतलब नहीं है, कंपाउंड एक ही फॉर्म होगा, ठीक है। CH3Cl3, ठीक है, CH2Cl plus PCl3 plus HCl, ठीक है। देयर इज वन मोर थिंग बच्चों,
एक क्वेश्चन ऐसा बच्चे पूछते हैं कि क्या PbR5 और Pi5 से रिएक्शन कैसा होगा पूछते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि PbR5 और Pi5 दिया हुआ है तो आपको बेवकूफ बना रहा है, ठीक है, बिकॉज दीज टू कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट। PbR5 एंड Pi5 डू नॉट एग्जिस्ट, वो क्वेश्चन रॉन्ग है। PCl5 यूज करेगा, दोनों फॉर्म में यूज करेगा, लेकिन PbR5 एंड Pi5 डू नॉट एग्जिस्ट। ओके बच्चों, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड के लिए, नेक्स्ट रिएजेंट के लिए, दैट इज PCl3। PCl3 जो है, PCl3, ठीक है, जब आप अल्कोहल को रिएक्ट करवाओगे PCl3 से तो ये कंबाइन करके आपको फॉर्म कौन सा कंपाउंड देगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो हैलोलेकेन देगा ही देगा, वो साथ में यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म होगा, दैट इज H3PO3 फॉर्म होगा, ठीक है। अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 और 3, ठीक, बैलेंस हो गया। देखो बच्चों, फर्स्ट बात पहली याद कर लो कि जब आपने PCl5 कंपाउंड लिया था तो यहाँ पे क्या आया था, PCl3 का HCl आया था, बट यहाँ पे द बाई प्रोडक्ट इज समवट डिफरेंट, ठीक, H3PO3 फॉर्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। RCl सेम फॉर्म हो रहा है, लेकिन द बाई प्रोडक्ट्स आर फॉर्म डिफरेंट दैन द PCl5 कंपाउंड, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसा एग्जाम्पल एक बार चेक कर लेते हैं, इफ यू कैन कंपेयर ऑल्सो, देखो कंपेयर कर लो, अगर मान लो कि आपने ROH लिया है और प्लस PCl5 ले लिया, ठीक है, तो क्या बन रहा था, एक तो RCl बन रहा था, एक तो RCl बन रहा है, ठीक है, और साथ में क्या बन रहा है, प्लस POCl3 एंड प्लस इट इज फॉर्मिंग, ठीक है, HCl फॉर्म कर रहा है, ठीक है, HCl फॉर्म कर रहा है, दोनों में काफी डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर बाई प्रोडक्ट जो है वो H3PO3 है, यहाँ बाई प्रोडक्ट जो है वो POCl3 प्लस HCl है, ठीक है, ओके, बट मेन प्रोडक्ट इज RCl itself, ओके, ठीक है। अब ठीक है, इसका हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म के लिए हम थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं, ठीक है, लेट्स क्लीन द बोर्ड। ओके गाइस, सो लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ PCl3 एडिशन, ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं PCl3 का। अगर आप PCl3 ऐड कर रहे हो तो क्या होगा, ठीक है, द वेरी फर्स्ट स्टेप, ROH हैविंग ऑक्सीजन विद टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जब रिएक्ट करेगा PCl3 से, और यू कैन से 3 Cl लगे हुए हैं इसके ऊपर, देयर आर 3 Cl अटैच्ड टू फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस लगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, Cl जो है एज अ Cl माइनस बाहर निकल जाता है, Cl- बाहर रहेगा बट सिस्टम नहीं है, अब सिस्टम नहीं घूम रहा है, ठीक है, तो Cl बाहर चला गया, P पे क्या आएगा, P will get the positive charge, ठीक है, जब P पर ऐसी मतलब प्लस चार्ज आएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर्स थी, इसको लोन पेयर वो डोनेट करेगा और इससे बॉन्ड फॉर्म करेगा, और क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो O पे क्या आएगा, O will get the positive charge, ठीक है, और P के पास 2 Cl लगे हुए हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देना एक बात, यहाँ पे क्या होगा, अगली स्टेप में जो Cl पहले बाहर चला गया था अब वो यहाँ पे ऐड होगा, समझ लो, देखो यहाँ माइनस था बाहर निकल रहा है, यहाँ प्लस है, यहाँ ऐड हो रहा है, रिएक्शन में आ रहा है, यहाँ पे जा रहा था, ठीक है, अब यहाँ पे Cl के अंदर एंटर हो गई है, ठीक है, अब दो बच्चों क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, Cl जो है वो, ठीक है, अपोजिट से अटैक करता है, ठीक है, अब क्योंकि अपोजिट से अटैक यहाँ पे हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन दे के बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे के आर बाहर आएगा एंड इट विल फॉर्म, ठीक है, आर Cl फॉर्म होगा, ठीक है, एंड प्लस यहाँ पर पी के साथ 2 Cl जुड़े हैं और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे OH अटैच होगा, बात समझ में आ रही है। इन द सेकेंड स्टेप, O पर था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है,
H लगा हुआ था, R लगा हुआ है, Cl का अटैक होने वाला है। Cl आप पे न्यूक्लियोफाइल था, वो अटैक करेगा, और अटैक कहाँ से होगा, बिकॉज इस तरफ तो पूरा पैक्ड है, यहाँ जगह नहीं है, अटैक होगा बैक साइड से। ठीक है, अगर अटैक बैक साइड से हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स दे के उधर निकल जाएगा एंड इट विल फॉर्म R प्लस, और R प्लस जब रिएक्ट करेगा तो Cl से RCl फॉर्म कर देगा फ्रॉम द अपोजिट साइड एंड यू विल गेट PCl2OH। ठीक है, अब ये कंपाउंड फॉर्म हो गया। अब देखो क्या होगा, सिंस ये रिएक्शन सेम रिपीट होगा, तीन बार होगा, अब क्या हुआ देखो, नाउ आफ्टर दिस ये जो कंपाउंड रहा था ये अब अटैक कर रहा है। ठीक है, थोड़ा प्रॉपरली नोट कर लो इसको। ठीक है, तो जब अगला जब ROH का मॉलिक्यूल आया, ठीक है, इसका तो बन गया RCl, ठीक है, सेकेंड वाला भी यहाँ पे आएगा, ठीक है, Cl Cl OH, अब यहाँ से Cl बाहर निकल रहा है, ठीक है, Cl बाहर रहेगा ऐसे, तो इससे आ गया पॉजिटिव चार्ज, फिर से इसने इसको इलेक्ट्रॉन के लोन बेर दिया एंड दे विल अगेन फॉर्म व्हाट, फिर से फॉर्म कर लेगा पॉजिटिव, यहाँ पे लगा है H P Cl और OH, Cl बाहर निकल चुका है, Cl has been gone outside, Cl आ चला गया, अब Cl फिर से अटैक करेगा यहाँ पर अपोजिट साइड से। ठीक है, Cl का अटैक हुआ, फिर से Cl यहाँ से आ गया, इट विल अगेन फॉर्म RCl, RCl फॉर्म कर लेगा और प्लस, अब यहाँ पे दो OH लग गए इसके ऊपर, फास्फोरस के ऊपर Cl एक है और OH लगे हुए हैं दो। ठीक, सही बात है, अब ये पूरा हो चुका है, इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या हो गया, अब देखो एक RCl यहाँ से बन रहा है, एक बन गया यहाँ से RCl, अब ये कंपाउंड अगले स्टेप में कैरी फॉरवर्ड होगा और यहाँ पे तीसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल अटैक करेगा और ये कंबाइन करेगा इस। ठीक है, फिर से Cl बाहर जाएगा एंड देन अगेन यू नो यहाँ पे बन जाएगा आपका RCl प्लस, अब P के पास तीन OH लगे हुए हैं। डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे मतलब ऐसा चर्चा इसका होता नहीं, ऐसे कंपाउंड दिखता नहीं है, H3PO3 जो है ये आपका बन चुका है H3PO3, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, इट इज लाइक दिस। इस तरीके से होता है, समझ में आया, तीन स्टेप पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयर इसके पास चलेगी, Cl बाहर चला गया था, Cl बाहर जा चुका था, अगली स्टेप में Cl- का अटैक होगा, Cl अटैक कर दिया है, R को बाहर लेके निकल जाएगा और यहाँ बचेगा आपका PCl2OH, अब ये कंपाउंड जो है आगे दो स्टेप में कैरी फॉरवर्ड होगा और लास्ट स्टेप में H3PO3 करके बाहर निकल जाएगा एंड यू विल गेट ओवरऑल क्या होगा, तीन ROH के मॉलिक्यूल थे, ठीक है, एक PCl3 था और कंपाउंड दे रहा है 3RCl और H3PO3 दे रहा है। ठीक है, एक दो तीन अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स लगे, ठीक है, और एक ही PCl3 लगा और लास्ट में निकल रहा है H3PO3 और एक दो और तीन RCl बाहर निकल रहा है, समझ में आ गया, ये मैकेनिज्म है इसका, इसको समझे याद कर लो आप, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे ही बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट नहीं है बट एंट्रेंस में काम में आएगा। गाइस एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा, द क्वेश्चन इज, बच्चे सोचते हैं कि क्या यहाँ पर PBr3 और Pi3 वाला कुछ फंडा होता है क्या, बिकॉज वहां तो बने नहीं PBr5 और Pi5, यहाँ पर होते हैं क्या, तो यस यहाँ पर दो कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं बट दे शुड नॉट एग्जिस्ट एज दिस कंपाउंड। ठीक है, अगर आपको PBr3 यूज करना है तो आपको P+Br2 का मिक्सचर यूज करना होगा एंड फॉर Pi3 यू हैव टू यूज P+I2 का मिक्सचर। ठीक है, अगर आपने ये कंपाउंड कर लिया तो आपको रिएक्शन ऐसे मिल जाती है एज PCl3। ठीक है, अगर आपने मान लो, और इसको बच्चों नॉर्मली क्या होता है ना, इसको हम इन साइटू प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इन सीटू प्रिपेयर करते हैं, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन साइटू, इसका मतलब होता है कि इमीडिएटली, मान लो आपको अभी रिएक्शन करनी है तो आपने अभी तुरंत इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, स्टोर करने पे कंपाउंड डिस्ट्रॉय करता है, ऐसा मिलता नहीं है, कुछ और बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो व्हेनेवर यू वांट टू यूज PBr3 और Pi3 यू हैव टू प्रिपेयर ऑन द स्पॉट, आपको तुरंत ही बना के इसको रिएक्शन में यूज कर लेना होगा। ठीक,
तो मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया है आपको कि ROH प्लस PBr3 दिया हुआ है, ठीक है। कई बार एग्जाम ऐसा भी लिखा होता है कि आपने ROH लिया और इसके लाइन के ऊपर लिखा होता है पी प्लस बी आर टू, तो आपको इसको अज्यूम करना है कि ये ऐसा PBr3 काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ये में क्या बनेगा आपका, यू विल गेट 3RCl, तीन कंपाउंड लोगे तो, एंड ऑल्सो यू विल गेट HBr बनेगा और साथ में H3PO3 बन जाएगा, ठीक है। सेम फॉर आयोडीन ऑल्सो, अगर मान लो कि आपने ROH लिया है प्लस, ठीक है, PI3 लिया है, तो यहाँ पर होगा RI बन जाएगा प्लस H3PO3 बनेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, बस ये डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। PBr5 PI5 एग्जिस्ट नहीं करता, PBr3 एग्जिस्ट करता है, बट उसके लिए आपको ऑन स्पॉट टेस्टिंग करना पड़ता है, इन साइटू लिखा होता है बुक में, के पर आपको वर्ड मिल जाएगा इन साइटू करके, तो उसके लिए आपको फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन गैस को रिएक्ट करना होगा, तब जाके आपको PBr3 मिलेगा, ठीक है। इसका लॉन्ग स्टोरेज नहीं करता है, तुरंत इसको यूज करना होता है, इसीलिए इन साइटू वर्ड का इस्तेमाल किया होता है, ठीक है। यस, इट विल शो द रिएक्शन एज सेम एज PCl3, ऐसा जैसा हमारा PCl3 रिएक्ट करता है वैसे PBr3 भी रिएक्ट करेगा और RBr प्लस H3PO3 कंपाउंड मिलेगा, एंड सेम फॉर PI3 ऑल्सो, ओके। ओके गाइस, सो वी हैव रीच्ड टू आवर लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से एक लास्ट मेथड बाकी है, इट इज कॉल्ड एज डार्जन्स मेथड, ठीक है। डार्जन की मेथड जो है वो हम पढ़ने वाले हैं आगे। डार्जन्स के मतलब क्या होता है कि यू रिएक्ट विद द थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, SOCl2, दैट इज कॉल्ड एज थायोनिल क्लोराइड, इससे आप रिएक्ट करवाओगे, इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। अल्कोहल को इससे जब रिएक्ट करवाओगे तो आपको मिलेगा, ठीक है, यू विल गेट फर्स्ट ऑफ ऑल RCl मिल जाएगा आपको, ठीक है, एंड प्लस यू विल गेट HCl एंड SO2, ठीक है, ये वाला वो इससे कंबाइन हो गया, SO2 हो गया और ए दो Cl थे, एक Cl यहाँ पे आ गया, HCl जो है वो HCl में चला गया, ठीक है। बच्चों ये मेथड जो है ये काफ़ी अच्छी मेथड है, और यू कैन से दिस इज द बेस्ट मेथड टू मेक हेलोअल्किन, ठीक है, इट इज द बेस्ट मेथड फॉर हेलोअल्किन, ठीक है। अब ये बेस्ट मेथड क्यों है, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी आपके कंपाउंड बनते हैं आफ्टर योर मेन कंपाउंड, जो आपका मेन कंपाउंड था RCl, इसके अलावा जो बाकी कंपाउंड बनेंगे आपके, दीज आर कॉल्ड एज बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज बाई प्रोडक्ट्स, और ये आपका था मेन प्रोडक्ट था आपका, तो इस रिएक्शन में सारे जो आपके बाई प्रोडक्ट बनेंगे दीज आर इन गैसेस स्टेट, ठीक है, क्योंकि ये गैस स्टेट में होंगे तो इन्हें आइसोलेट करना काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। दिस कैन बी इजिली सेपरेट आउट, बहुत ईजिली इसको हम बबल में निकाल सकते हैं, एंड यू ओनली रिमेन विद दी RCl itself, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो एनर्जी आपकी वेस्ट होनी है इसको आइसोलेट करने में, सेपरेट करने में, वो वेस्ट नहीं होती, दोनों गैस फॉर्म है, दोनों उड़ गए यहाँ से, यू ओनली लेफ्ट द मेन कंपाउंड itself, ठीक है। देन इट इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। और एक बार जान लो कि इस मेथड का नाम क्या होता है, इट्स कॉल्ड एज डार्जन्स मेथड, डार्जन्स मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है, समझ में आया। ओके, लेट्स सी इट्स मैकेनिज्म, ठीक है। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ थायोनिल क्लोराइड एडिशन, ठीक है। बच्चों पहले ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आप लोगे अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल लोगे और इसको रिएक्ट करवाओगे आप SOCl2 से, ठीक, और यू कैन से लाइक ठीक है SOCl2, ठीक है। और दो क्या होगा ना कि इसमें ठीक है इलेक्ट्रॉन्स जो है, और हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे H नीचे लगा हुआ, ठीक है, H O के पास जो लोन पेयर है वो S को डोनेट करेगा,
ठीक है, और यू कैन समझ कि इसके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, पाई इलेक्ट्रॉन्स ठीक है वो ऊपर मूव हो जाएंगे, ठीक है, ओवल गेट नेगेटिव चार्ज, एस विल गेट पॉजिटिव चार्ज। देखो डबल बॉन्ड के दो बॉन्ड है, ठीक है, इसमें एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स दो इलेक्ट्रॉन्स, इस वाले बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दोनों ऑक्सीजन छीन लेगा, एस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ओ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब एस पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो है वो उसको इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स दोनों देगा, तो क्या होगा, ओ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये रिएक्ट कर रखा है इसने सल्फर से, ठीक है, एंड ऊपर में ओ पे था नेगेटिव चार्ज, एनी वर्ड सील एस डी टू, समझ में आई बात, क्या समझी बात, सल्फर के साथ में जो ऑक्सीजन लगा हुआ है उसने दो बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं, दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन छीन लेगा, एस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यू कैन सिंपली मेक हियर इटसेल्फ, ठीक है, यहीं पे करता हूँ कि भैया ऊपर माइनस है, पर एस पे प्लस चार्ज है, ठीक है, अब प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन देने को तैयार था अपना ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन यहाँ से कोऑर्डिनेट किया, उसने एक बॉन्ड बनाया, अब बॉन्ड बनाने क्या हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है, और इसका प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, ये बॉन्ड बन चुका है। अब तो इसके बाद क्या हुआ बच्चों, क्लोरीन जो है नेगेटिव है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन छीन के इससे बाहर निकल जाएगा, और ओ पे था पॉजिटिव चार्ज, वो जो है इलेक्ट्रॉन्स छीन लेगा हाइड्रोजन से, ठीक है, दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एच सी एल जो है वो बाहर निकल जाएगा, एच प्लस बाहर निकल रहा है, सी एल माइनस बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रॉन लेके इससे, दोनों बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि एच ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ओ के ऊपर का चार्ज खत्म हो गया, ठीक है, Cl ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए अभी, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेगा, यहाँ एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो क्या बनेगा, R इसका चार्ज खत्म हो गया, और S के साथ में O था एक बॉन्ड था, एक और बॉन्ड फॉर्म हो गया, एंड यू विल हैव Cl हियर, बीच में एक कंपाउंड मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर जो है ना रीअरेंजमेंट होता है, इन दिस कंपाउंड यू विल गेट रीअरेंजमेंट टू द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उछल के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, दिस इलेक्ट्रॉन्स विल गो अपसाइड ऊपर के पास चले गए, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे उतर गए, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए थे, इस पे ऊपर वाले ओ पे आया था माइनस चार्ज, यहाँ पे आया था प्लस चार्ज, इस पे आ गया प्लस चार्ज, तो लोअर पे इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ गए और यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर लिया, सो व्हाट यू विल गेट, आर ओ डबल बॉन्ड एस, ठीक है, और ऊपर था ओ नेगेटिव और सी एल था अपना ऐसे ही, ठीक है। अब बच्चों इस वाले कंपाउंड में क्या होता, अच्छा इसमें क्या हुआ, अभी देखो इलेक्ट्रॉन तो लूज किया इसने, तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, बात समझ रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयर थी, इसने पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, पाई इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए मूव करके, अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए तो ये लोअर पेयर के इलेक्ट्रॉन्स नीचे उतर गए ताकि इसका प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज किया जा सके, अब इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिया तो इस पे खुद पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, अब क्या होगा, ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स वो पुल करना शुरू करेगा अल्किली ग्रुप से, क्लोरीन के पास क्लोरीन नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन वो छीनना शुरू करेगा सल्फर से, ठीक है। अब अगली स्टेप में क्या हो रहा है कि भैया आर तो एज ए पॉजिटिव बाहर निकल रहा है और सी एल तो एज ए नेगेटिव बाहर निकल रहा है, ठीक है, आर ने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको तो इसकी भूख तो शांत हो गई, वो शांत हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया उसको तो इसके पास प्लस चार्ज आ गया, इसके पास प्लस चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे उतरेंगे, अच्छा माइनस चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की पेयर होती है, देर आर टू इलेक्ट्रॉन्स इन एनी माइनस चार्ज, देर आर टू इलेक्ट्रॉन्स, एक उसने जो गेन किया वो खुद का और एक उसका पहले से था जो, ठीक है, तो यहाँ पर ओ डबल बॉन्ड एस एंड वन मोर बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, ठीक है, और साथ आपस में ये आपके पास ये दो मिक्सचर में थे ही, सो दे विल कंबाइन एंड दे विल फॉर्म आर सी एल प्लस एस ओ टू, समझ में आ गया, सो द ओवरऑल रिएक्शन इज व्हाट, अगर आप अल्कोहल लोगे प्लस एस ओ सी एल टू लोगे तो क्या बनेगा, यू विल गेट आर सी एल प्लस एच सी एल गैसेस फॉर्म में एंड प्लस एस ओ टू ऑल्सो इन द गैसेस फॉर्म, दिस इज कॉल्ड डार्सन्स मेथड।
very superb method to have better yield of haloalkane. समझ में आ गया? पहले S टूट गया था, ठीक है, पहले SOCl2 ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन्स टूटेंगे. पहले क्या होगा बच्चों, तो ध्यान दो, पहले ठीक है आपका SOCl2 था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जंप कर गए, तो इस पे आ गया माइनस चार्ज, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स की पेयर यहाँ पर चली गई, देन इसके बाद नीचे बॉन्ड फॉर्म हो गए, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. अब क्या होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव है, ठीक है, इस पे प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को छीनना चाहता है, कहाँ छीनेगा, तो एच के पास छीनेगा, ठीक है, तो ये एच प्लस की तरह बाहर जाएगा, ठीक है. सी एल नेगेटिव है तो अरे सी एल माइनस बाहर जाएगा, एच प्लस सी एल माइनस दे विल फॉर्म एच सी एल फॉर्म कर लेंगे, ठीक है. अब इसकी इसने इलेक्ट्रॉन छीन लिया इससे, तो इसका चार्ज तो खत्म हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन छीना सल्फर से, तो यहाँ पे आया था प्लस चार्ज. अब ये प्लस चार्ज जो है वो इस इलेक्ट्रॉन से शांत हो जाएगा, दे विल फॉर्म दिस कंपाउंड. देन नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट स्टेप, रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का. ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन के पास, इलेवन पर नीचे उतरेगी, दे विल फॉर्म दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट. अब यहाँ पे आर इलेक्ट्रॉन्स छीनेगा ऑक्सीजन, क्यों, इसके पास में प्लस चार्ज था, इसलिए सी एल नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स छीन के बाहर निकल जाएगा, आर प्लस बाहर निकल रहा है, सी एल बाहर निकल रहा है, ये एसओ टू फॉर्म कर लेगा, दे विल फॉर्म दी आर सी एल. ये मैकेनिज्म है, ठीक है, मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ दिस, ठीक है, प्रॉपरली नोट्स बना लो इसके. इन केस ऑफ SOCl2, SOCl2 में देखा था आपने लास्ट स्टेप में क्या हो रहा था, ठीक है, लास्ट स्टेप व्हाट यू हैव सीन कि भैया R में ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, ठीक है, और डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो गया था, इस पर था नेगेटिव चार्ज, यहाँ Cl था. तो बच्चों क्या होता है ना कि इस वाले कंपाउंड में, ठीक है, Cl जो है वो इंटर मॉलिक्यूलर ही अटैक कर रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर अटैक कर रहा है. सो दिस फॉलो SNI मैकेनिज्म, ठीक है, ये SNI मैकेनिज्म फॉलो करता है. सो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, हमेशा रिटेंशन होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, बस ये बताना था, इसको भी नोट कर लो कि इन केस ऑफ, ठीक है, अगर रिएक्शन में अल्कोहल प्लस SOCl2 को ऐड करवाते हैं तो यहाँ पर फॉलो करेगा SNI मैकेनिज्म फॉलो करेगा, और साथ में क्या होगा, there is retention of configuration. मैं आपको एक बार सबका, ठीक है, ओवरऑल समरी कैटेगरी के शॉर्ट में देता हूँ, ठीक है, पहले इसको नोट कर लो आप लोग. ओके गाइज, ठीक है बच्चे, चलो इसको हम फिनिश करते हैं लेक्चर को, बट बिफोर फिनिशिंग द क्लास वी शुड वंस समराइज ऑल द कॉन्सेप्ट लर्न, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा एक बार समराइज कर लेते हैं उसको. ओके, so overall summary, ठीक है, overall में क्या पढ़ा आज, जो फर्स्ट हमने पढ़ा वो था ल्यूकस रिएजेंट, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है. इस कंपाउंड की हमने क्या देखा था, What we have seen, कि यहाँ पर जो है SN1 mechanism follow करता है, कौन सा SN1 follow होगा mechanism, ठीक है, और यहाँ पर क्या था बच्चों, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट था, ठीक है, एक बात आपने ये देखी थी साथ में, और यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑलवेज जहाँ भी SN1 mechanism होगा वहाँ पर हमेशा क्या होता है, there is racemic mixture present होगा, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये था आपका फर्स्ट, ठीक है, देन सेकंड क्या देखा था आपने, सेकंड यू हैव सीन PCl5, ठीक है, इन PCl5 यू हैव लाइक टू काइंड्स ऑफ रिएजेंट, एक तो या तो गैस फॉर्म में होगा या फिर क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक, गैस फॉर्म में क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर, तो देखा था हमने कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही अटैक होता है, सो क्या बोलते हैं उसको, वी कॉल्ड अस SNI मैकेनिज्म, SNI मैकेनिज्म, और इसको कॉल्ड अस सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रा मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, ठीक है, फॉलो करेगा, और यहाँ पर क्या होगा, हमेशा वी ऑलवेज सी दैट यहाँ पे रिटेंशन होगा,
समझ लो पोटेंशियल हो गया यहाँ पे। और इन केस ऑफ सॉलिड क्या होगा, इन केस ऑफ सॉलिड वी हैव अदर मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल आके आपका अटैक करेगा, PCl6- आके अटैक करता है इसमें, सो वी हैव इन्वर्जन, जो मॉलिक्यूल था उसके अपोजिट से आके अटैक होगा तो इन्वर्जन होगा मॉलिक्यूल का, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा था, देयर इज SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN2 फॉलो होगा और इन्वर्जन होता है, क्या होगा कॉन्फिगरेशन का इन्वर्जन होगा, समझ में आ गया, ठीक है। देन थर्ड वाज, ठीक है, और यहाँ पे एक बात की याद कर लो कि PBr5 एंड Pi5 जो है ये एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, डिड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, कोई बोले तो क्वेश्चन में कुछ ठीक है झोल होगा, ठीक है, समझ लो मतलब कुछ ट्विस्ट होगा क्वेश्चन में तब वो क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। देन वी हैव PCl3, PCl3 में क्या देखा था आपने, PCl3 में क्या होता है, अटैक कहाँ से होगा, अटैक अपोजिट साइड से होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा और यहाँ पे इन्वर्जन, जहाँ भी SN2 है वहाँ पे क्या होगा हमेशा इन्वर्जन फॉलो होगा, ठीक है। यहाँ पर PBr3, यहाँ पर PBr3 एग्जिस्ट करता है बट कैसे बनेगा वो, ठीक है, अगर आप P प्लस Br2 लोगे तो वहाँ से आप PBr3 की तरह उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, और अगर P प्लस I2 लोगे तो इसको आप एज अ Pi3 यूज कर सकते हो, ठीक है। मेन बातें कौन सी याद रखनी है कि SN2 फॉलो होगा उसका और इन्वर्जन होगा, ठीक है, मेन चीज। एंड देन फोर्थ एंड लास्ट वन इज SOCl2, ठीक है, SOCl2 में क्या होता है, अटैक कैसा होगा यहाँ पर, ठीक है, अटैक विद इन द मॉलिक्यूल होगा, दैट इज SNI, इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है, SNI, और जहाँ भी SNI यूज होगा मॉलिक्यूल के अंदर ये अगर अटैक होगा तो वो सेम साइड से होगा अटैक, ठीक है। देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, बस ये पूरी समरी है इसकी, ओवरऑल इतनी याद कर लो, लोकस रिजेंडर ऐसा हम कहते हैं फॉलो होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, रेसिनिक मिश्रण फॉर्म होगा, इन केस ऑफ PCl5 दो टाइप से रिएक्शन होती है, एक या तो PCl5 गैस में लिया हो या फिर सॉलिड में लिया हो, इन केस ऑफ गैस PCl5 यू हैव इंट्रा मॉलिक्यूलर एडिशन, इंट्रा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के अंदर ही ऐड होगा तो रिटेंशन होता है, इन द सेम मॉलिक्यूल इफ न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग देन इट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है, और रिटेंशन होता है कॉन्फिगरेशन का, जिस तरफ से OH लगा होगा उस तरफ से ही Cl भी अटैक होगा, ठीक है। अगर सॉलिड में है PCl5 तो वहां पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, जहां भी SN2 फॉलो होगा देयर इज ऑलवेज अटैक ऑन दी इन्वर्जन, ठीक है, अटैक अपोजिट साइड से होगा और कंपाउंड जो है इन्वर्ट होके बनेगा, जहां पर OH लगा है उसके अपोजिट से Cl आएगा, कहां पे हमेशा SN2 में, SN2 कहां फॉलो होगा, अगर PCl5 अपने सॉलिड लिया तो, ठीक है, PBr5 और Pi5 एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, PCl3 में SN2 होगा, इन्वर्जन होगा, P प्लस Br2 गिव यू, मतलब इसको आप PBr3 यूज करोगे, P प्लस I2 Pi3 यूज कर सकते हो, SOCl2 में क्या होगा, SNI मैकेनिज्म फॉलो होगा और रिटेंशन होगा, ओके, थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है, बहुत मेहनत लगी वीडियो तैयार करने में, प्लीज़, ठीक है, डाउट्स होंगे तो पूछ लो, और जो अगर कुछ डाउट्स रहते हैं तो मतलब उसको मतलब खास पूछ लिया करो, मतलब फोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेके स्नैप लेकर कि ये डाउट में ये पॉइंट में ये बात समझ में नहीं है, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक गाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच।